हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। सुबह सुबह का टाइम है और कन्नू अपने खुशी खुशी स्कूल चला गया है। आज मैं छोड़ उसने के आया हूँ। नए शूज पहन के गया है तो बहुत खुश हो रहा था कि ये कह रहा था कि मम्मी ये तो जादुई शूज है और ये ना हाथ लगाने से ही सूख जाते हैं और बहुत सारी बातें बता रहा था। और ये जीन्स है ना मम्मी की समझ में नहीं आई है और कलर मेरी भी समझ में नहीं आया। पता नहीं कैसा कलर लेकर के आ गए, ऐसी लग रही है जैसे पुरानी जीन्स लेकर के आ गए और हो हमें किसी सबसे की। अच्छी लगी थी दोनों को, बाप बेटे को, पर इन्हें माँ और बेटे को अच्छी लगी, इसे वापसी करवा रही है। हाँ तो ऐसे ब्लू या ब्लैक में लाना वो ही इसका अच्छी मतलब लगती यह है है कि बच्चों हमारे कुछ चलती नहीं है, चलती नहीं की है। को नहीं बाकी वही जो भी हाँ इनको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं ना जींस को, वो सब यही कह रहे हैं। और इसका रेट इतना हैवी है, बहुत ज्यादा, 650 रुपए की जींस है। और आपको मतलब फोन में तो ठीक ठाक दिखाई दे रही होगी लेकिन वैसे मुझे तो अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी। तो ये है 650 रुपए की और वापसी जो करवा कि रहे हैं, अच्छी नहीं लगी है बिल्कुल भी। और इसको वापसी करवा रहे हैं, बताओ। इसके क्रॉक्स अच्छे लगे हैं, शूज अच्छे लगे हैं, जो आपको बता दिया वो अच्छे लगे हैं, वो अच्छे लगे हैं। कन्नू ने रात बहुत काम फैला रखा था और इधर भी सारी की सारी दवाइयाँ निकाल के रख रखी है। ये कह रहा था कि मैं स्टोर बनाऊंगा, उन यहाँ पे पड़ोस में स्टोर है ना बच्चों का, तो वो स्टोर स्टोर करता रहता है। और यहाँ पे खिलौने, तो ये खिलौने डाल करके ये कह रहा था कि मुझे अब किसी बच्चे के पास खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इसने सारे के सारे खिलौने डाल रखे। मैं ऑफिस अपने चला गया था, अभी भी मुझे रास्ते से बाहर बुलवाया नन्ने, मतलब आधे रास्ते से वापसी बुलवाया है, क्योंकि दादी को याद आ गया मेरे बेटे का, कन्नू का टोपा और हैंकी टोपा हैंकी रह गया रह था गया उसका। है, और उनकी याद अब आया है कि वो बिना टोपे रंगे की है और सर्दी लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, कैसे करेगा कैसे नहीं। तो मेरी ड्यूटी छूटो या कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है, इसे देखा वो अभी स्कूल में जाके। तो जी बाइक एक ही है घर में, तो वरना अक्सर रिवॉर्ड दिया था, तो मुझे थोड़ी दूर तक गया था, मैं वापसी आया हूँ इसे लेने के लिए, तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ। अब जब टोपा ले ही लिया है और अब नवी टोपा ले लेते। आप भूल गए अपना टोपा? मेरा कैप है इसमें, नहीं, कैप तो है लेकिन ठंडी ठंडी हवा लगती है जब शाम के टाइम आते मैंने हो। ही बैग में रखा, हाथ में पकड़ लिया, हाथ में इसलिए पकड़ लिया कि मेरे याद रहेगा कि यहाँ का कुछ पता लगा स्कूल उसका निकल जाए और मैं इसे लेकर आगे पहुंचूंगा, ऐसा भी हो ऐसा सकता है, हो जाएगा। इतनी मेमोरी वीक हो गई हाँ ऐसा हो आपकी। जाता है, कभी कभी ना चलो मुझे पेट्रोल डालना पड़ता है बाइक में, इस पहले पेट्रोल पंप पे डालूंगा, वहाँ आने वाला है, वहां से आके भूल जाऊंगा, वो तो निकल गया, अगले वाले पर डालूंगा, अगला भी निकल जाता, तीसरा, चार चार पेट्रोल पंप निकल जाते हैं, मैं पेट्रोल डालना भूल जाता हूँ। हाँ वो है ना, किसी और भी मस्ती में मस्त रहते हो। फोन आते रहते हैं। हाँ अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और सारा का सारा जो काम है वो निमट चुका है। कमरे की भी साफ सफाई हो गई है हमारे। और आज इतने सारे कपड़े थे ना, बहुत सारे कपड़े थे, उनकी मतलब धोए सुखाए और तय बना करके भी रख दिए सारे कपड़ों की। बच्चे यहाँ पे बैठे थे, धूप की सिकाई ले रहे थे। अंशी तो यहाँ पे सो रही है और ये राम राम जी कह रहा। अभी वानी कभी आज आराम से सो रही है, ये रही ये मम्मी के पास सो रही है। और मैं कह रही थी मम्मी जो इस तरह का डेली सो जाए तो सारे के सारे काम निमट जाए, और आराम से सो रही है बहुत ही, क्योंकि आज भी नहला दिया, कल भी नहला दिया था इसको। अब डेली नहलाएंगे इसको जब तक धूप निकलेगी ना अच्छी खासी, और हवा तो बहुत तेज है, धूल इतनी आ रही ऊपर से, छत पर सब बहुत ज़्यादा धूल आ रही, इसीलिए सारे के सारे कपड़े जल्दी जल्दी उतार दिए। अभी मेरा बेटा स्कूल से आने वाला है और इधर वाणी कभी खेल रही थी तो मैंने सोचा इसके लिए पराठे बना लिया जाए डबल का। और मैंने मम्मी से पूछा भी था कि मम्मी क्या बनाओ, पराठा बनाना है रोटियाँ, तो मम्मी ने रोटी कहा था। और मैंने फिर उनको बाद में बोला कि मम्मी सुबह रोटियाँ दी थी तो वो अब रोटियाँ नहीं खाएगा, तो फिर मैंने उसके लिए देसी घी का डबल का पराठा बना दिया, उसमें आलू और गाजर मटर की सब्जी मिक्स करके भर दी थी मैंने। और उधर वाणी का भी खेल रही थी तो मैंने ये सोचा कि जब तक ये खेलती है तब तक उसके लिए खाना जो है तैयार कर देती हूँ। और एक साइड मैंने चाय रख रखी थी, चाय पराठा हो जाएगा आने के बाद में, और मम्मी पिताजी सब चाय पी लेंगे और मेरा काम भी निमट जाएगा। तो वानिका के रोने से पहले पहले मैं ये सारे के सारे काम निमटा लेती हूँ। और वानिका खेल रही थी, उसकी आवाज मुझे आ रही थी वो खेलने की। कन्नू आ गया है स्कूल से और आते ही यूनिफॉर्म निकालने लगा है, और आते ही क्रॉक्स अपने पहन पहन लिए, लिए क्रॉक्स। बेटा चलो अपनी शर्ट और पैंट भी निकाल दो, है ना बाबू, माँ निकाल लेगी। और आपके लिए मैंने सरप्राइज बना दिया, सबसे मैंने आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज बनाया, बताया आपको, लिए डबल पराठा बना दिया मैंने। अगर तुम पूरे बना, अगर तुमने कल पूरे बनाए थे ना, हाँ तो मैं कहीं नहीं गया था ना, हाँ आज भी बना दोगी तो आज भी नहीं जाने का कहीं। फिर भी आप गए थे, मुझे पता है, आप मुझे चक्कर दे करके चले जाते हो। नहीं, पर आज नहीं जाने का। नहीं कन्नू बेटा क्या बना रहे हो आप? रेलगाड़ी। कैसे कैसे बनाओगे रेलगाड़ी? सबसे पहले क्या जोड़ा इसमें रेलगाड़ी में?
बेटा सबसे पहले तो लेकिन स्कूटर होना चाहिए ना, स्कूटर होनी चाहिए, फिर गाड़ी होनी चाहिए, फिर सबसे लास्ट में घोड़ा होता है रेलगाड़ी में। तो आपने तो सबसे पीछे लगा दिया स्कूटर, इसको चेंज करो दोबारा से। कन्नू ने कुत्ते को रोटी दे दी है और रेलगाड़ी चलाकर जा रहा है। कन्नू बेटा बाहर नहीं जाना, बाहर आपका स्कूटर तोड़ देंगे, आपकी गाड़ी तोड़ देंगे, आपका घोड़ा तोड़ देंगे बेटा, कोई भी छीन के। तो जी आज आ गया है एक छोटा सा क्यूट सा डॉग। चाची जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ये डॉग है। अक्षित बाहर से बुला करके लाया है इस डॉग को और आकर के इसने रोटी दिया बहुत बड़ी, और एक रोटी इसने चारपाई पे रख दी है, और पता नहीं कौन सा है ये। सिंपल से डॉगी आते हैं ना, उनको ही कुत्ते को रोटी देती हूँ। अच्छा लग रहा है वैसे। हाँ अच्छा लग रहा है। हैंड वॉश कर लिया अपने बाद में। हाँ रोटी तो खा के ये छक गया, ये छोड़ भी दी इसने। वानिका को तो वानिका की ताई जी खिला रही है जब से ही, और जब से कन्नू आया है, और मैंने उसको खाना वाना खिलाया बनाया, उसके लिए पराठा बनाया और झाड़ू वाड़ू सारी जगह लगा दी है, साफ सफाई भी कर दी है, जो चारपाई पे सामान फैल रहा था वो भी निकाल दिया। वानिका अभी आपके भैया बाहर खेलने के लिए चले गए, पोयम गा रही हो। कौन सी पोयम आती है, पोयम सुनाओ। जोनी जोनी यस पापा, eating sugar no papa, telling lie no papa, open your mouth ha 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 ha। चूहे से बिल्ली बोली, बिल्ली बोली म्याऊ, मैं आऊ। चूहा बोला ठहर जा, पहले मैं छुप जाऊ। चूहे से बिल्ली बोली, अकेले आँख मिचोली। वानिका मेरी साथ कर रही है बहुत सारी बातें और मेरा दुपट्टा पकड़ के खींच रही है, बोल रही है मम्मी मेरे पास से मत जाओ। तो भैया बर्तन आपके पापा करेंगे क्या साफ? ए आपके पापा बर्तन साफ करेंगे? करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे देखो। तो जी आ चुके हैं हम ऑफिस से, और आज मैंने बॉबी को बोल दिया था कि खाने में कुछ मत बनाना, तो बॉबी ने खाने वाकई में सब्जी नहीं बनाई है, और मैं सब्जी आज मार्केट से लेके आया था। तो कभी कभी चटपटी सब्जी खाने को ज़्यादा मन करता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सबके लिए सब्जी लेके चलूँ। तो आज सबके लिए वैष्णो के छोले भटूरे लेके आया था, जो कि सबने खा लिए, पर मिर्च बहुत थी तो किसी को भी पसंद नहीं आई मिर्च की वजह से, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा लगा लगा के खा लिए, और मेरा तो खूब मन कर रहा था खाने का, इसलिए तो मैं लेके आया था। और मम्मी ने भी खा लिए मिर्ची वाले, क्योंकि हमारे घर में जो सब्जी बनती है ना वो बिना मिर्ची बनती है, तो ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ चटपटा खा लेना चाहिए, तो इसलिए बाहर से सब्जी लाते रहना चाहिए। और इधर चल रही थी पढ़ाई, पर पढ़ाई के बीच में चलते चलते एक पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छों को नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते। जो अच्छे समझदार बच्चे होते हैं वो तो खैर नहीं सोते, पर जो बच्चे बोरिंग टाइप से पढ़ते हैं तो वो सो ही जाते हैं पढ़ते पढ़ते हुए। आज मेरे बच्चे ने बहुत सारा होमवर्क किया है और मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ए बी सी डी ई एफ एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू बनवाने वाली थी, बिंदु बिंदु लगा करके देती हूँ मैं, और बिंदु भी बहुत ही सिंपल से लगा के देती हूँ, जैसे एक बिंदु ये लगा दिया डब्लू में, सिर्फ पांच ही बिंदु लगाए हैं, तो इससे लाइन मिलाकर मिलवा करके सर्कल जीरो बनवा करके इस तरह ओ बनवाया है, और बी भी इस तरह, मतलब इस तरह गोलो गोलो बना हुआ, हाफ सर्कल बना हुआ, डी इस तरीके से बनवाया। बहुत मुश्किल से समझाने के बाद इसने डब्लू पे इसकी है ना लाइन खींचते खींचते पेंसिल एक साइड गिर गई और ये एक साइड जाके लेट गया, तो मेरा बच्चा बहुत ज्यादा थक गया। और दवाई भी नहीं दी गई इसको, दवाई भी नहीं दी गई आज इसको, इसके नाक का मांस भी बढ़ रहा है और हड्डी भी तिरछी हो गई है गिर के, इसको चोट लगी थी जिस दिन यहाँ पे माथे पे, ये देखो अभी भी निशान है इसका, और उस दिन इसकी नाक की हड्डी भी तिरछी हो गई, तो बस ये सो गया है। और इसकी बुक्स में उठा दूंगी, मैं सोच रही थी इसका बुक का भी होमवर्क कराऊँ, इसका कॉपी का भी होमवर्क कराऊंगी, लेकिन और इसको लर्निंग वर्क भी सोच रही थी मैं कराना, लेकिन ये पहले ही सो गया लिखता लिखता डब्लू उधर। और जब से मैं आया हूँ तब से मैंने अब तक वानिका को जगते हुए नहीं देखा, वानिका को भी नींद आ रही है, और आज मुझे इसका चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ सा लग रहा है कि ये जैसे कि उदासी लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं लग रहा। और मम्मी और बॉबी तो ये कह रहे कि नहीं ठीक है ये तो सो रही है। नहीं खेल ली, बहुत खेल ली,
बहुत खेल ली, पर मेरे आगे जब तक नहीं खेलते ना तो मुझे लगता नहीं कि ये खेल ली होगी। मैं तो जब देखता हूँ जब भी लगता है कि हाँ खेल ली है, अब मैं विश्वास नहीं कर रहा इनकी बातों पे कि ये खेल ली है। नहीं खेल रही थी, बहुत खेल ली आज, है ना। पर मुझे तो बहुत ही मासूम सी लग रही है सोती हुई मेरी बिटिया, बहुत ही मासूम सी लग रही है कि चलो सो रही हूँ मैं। पर जब तक ये हंसेगी नहीं और मुझे आवाज़ नहीं लगाएगी और रुक्का नहीं तारेगी, जब तक तो मेरा भी मन नहीं लगता। इसी वजह से मैं यहाँ से आता हूँ ऑफिस से अपने घर पे कि चलो बच्चे के साथ में मस्ती मस्ती करेंगे और हल्ला गुल्ला करेंगे, शोर शराबा करेंगे तो मन लग जाएगा। नहीं तो आपको रात को भी एक बजता है इनके साथ में और फिर सुबह को आप इसीलिए लेट उठते हो। और आज आज मौका बहुत अच्छा है, 9:30 बजे सो गए दोनों बच्चे और ये तो उठेगी एक बार जरूर, या तो मुझे जगाएगी अभी। और जब तक ये नहीं उठेगी तब तक तो मेरे जिन लगने का, ओ भाई आ रही है अंगड़ाई सी, थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुन रही है, पापा की आवाज़ कानों में जा रही है, पापा जी शायद आ गए है मेरे, अब ये उठेगी। तो चलिए जी, वो भी तो चाबेगी मूँगफली और हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।